अब जैसे मोबाइल के अंदर क्या है, मेमोरी कार्ड होता है ना, कुछ फोटो मेमोरी में सेव हो जाता है, वैसे ही जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जो फीलिंग करते हैं, सब कहां जाके शुरू होता है? माइंड के अंदर। अभी माइंड में जैसा जाता है वैसा ही उस पर इंटेलिजेंस वर्क करता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। जैसे इस मोबाइल में अगर आपने बेकार चीजें डाल दी तो इससे क्या होगा? वैसे ही चीज देखो, अरे यार कितना गंदा व्यक्ति, ऐसा चीज देखता है, गंदा गंदा चीज देखता है, कैसा व्यक्ति है ना। मतलब आपने कोई मूवी देख ली इधर उधर की, हाँ, या फिर कुछ ना, आपने ऐसे गंदे पिक्चर डाउनलोड कर लिए मोबाइल में, तो कोई मोबाइल में क्या दिखाई देगा आपको? वही दिखाई देगा। वैसे ही हमारा क्या है, ये फाइव सेंसेस है, इससे जो हम अंदर डालते हैं वो माइंड में जाके स्टोर होता है, और इंटेलिजेंस उसके आधार पे, ये माइंड का मैकेनिज्म है ना। तो अगर आप कहते हैं प्रभु जी मेरा मन बहुत विचलित है, तो विचलित करने के पीछे कौन है? हम है, क्योंकि हमने क्या किया, मन को वैसा विचलित करने के लिए इनपुट डाल दिया है ना। वैसे मूवीज दिखा दी, कुछ ज्यादा आवाज कर रहा है, इसका रेडियो तो नहीं ऑन हो गया, इसको मोड देखिए, शायद रेडियो ऑन हो गया उसका। हरे कृष्ण। तो इसके पीछे क्या है कि हमारा जो इनपुट गया वो क्या गड़बड़ है। जैसा इनपुट जाएगा क्या होगा, एक आपने सुना है गीगो, गीगो मतलब क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज, जो इनपुट जाएगा वैसा ही क्या होगा, आउटपुट आएगा। तो अगर हमारा मन विचलित है, मतलब हमने क्या अपने मन को खुद ही विचलित किया है ना, वैसा इनपुट डाल दिया है, कभी मूवी दिखा दी, कभी कुछ गलत संग करवा दिया, इसकी वजह से क्या है कि जो जो इनपुट अंदर गया हुआ है वैसा ही क्या हो रहा है, हमारे अंदर विचार पैदा ले रहे हैं ना। कभी ऐसा विचार, कभी ऐसा, कोई नहीं, थोड़ा आवाज कम कर दिए तो लोग सुनाई देगा, ये आवाज भी कम हो जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, पता नहीं क्या, रेडियो तो ऑन ही है ना। हाँ, तो अभी क्या है, इस वजह से हमारा माइंड क्या है, हम अनकंट्रोल या क्या रहता है, वो डाइवर्टेड रहता है, क्योंकि हम खुद ही उसको क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। अभी माइंड में ही प्रॉब्लम डाल दिया तो डाइवर्ट होगा ही। सो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, चैरियट ऑफ द बॉडी, जैसे आप ये देख रहे हो चैरेट बना हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, रथ बना हुआ है, रथ के अंदर में कितने घोड़े हैं? पांच पांच घोड़े हैं। तो पांच घोड़े हैं और पीछे कौन बैठा हुआ है? सारथी। सारथी बैठा हुआ, उसके पीछे कौन बैठा हुआ है? ड्राइवर, या कह लीजिए कोई पैसेंजर बैठा है, ठीक है, ऐसा मुझे इसको जनरली। तो ये जो पांच घोड़े हैं, पांच घोड़े कौन है? हमारी इंद्रियां हैं, देख रहे हैं, फोटो बना हुआ है इसके ऊपर, आंख का, नाक, मुंह का, और इसके पीछे ये जो बैठा हुआ है ना, ये कौन है? ये है हमारा नहीं, कौन है? इंटेलिजेंस। कौन है? नहीं, बुद्धि। ये जो लगाम है, लगाम कौन है? इसका वो वायर वाला हो ना, वायर वाला वो लगा था। तो जो माइंड है वो कौन है? लगाम है। और इंटेलिजेंस कौन है? ये जो सारथी है वो बुद्धि है, और पीछे कौन बैठा हुआ है? सोल। अभी रथ को लेके आगे बढ़ना है, जैसे आप सब कह रहे थे क्लास के स्टार्ट में, मेरे को मुझे ये पाना है, मेरे को वो पाना है, मेरे को वो पाना है, लेकिन पा रहे थे नहीं, पा रहे थे कहीं ना कहीं असफल हो जा रहे थे। जैसे मेरे को लाना था, मान लो क्लास 10 में या क्लास 10 प्लस 2 में 99% लाना था, लेकिन ला पाए? नहीं ला पाए। कितना लाए? कम लाए। रीजन क्या रहा? रीजन रहा ये, क्या रीजन रहा कि जो हमारी इंद्रियां थी वो क्या हो गई, अलग दिशाओं में भटकने लगी। मान लो रथ चल रहा है, और जब रथ चल रहा है आपको जाना है यहाँ से मुनीर का, लेकिन रथ में क्या होगा, पांच घोड़े लगे हैं, और पांचों घोड़े इधर भाग रहे हैं, एक बोल रहा है मैं साउसे जाऊंगा, एक बोलेगा मैं मेहरौली जाऊंगा, एक बोले मैं किशनगढ़ जाऊंगा, एक बोलेगा मैं उधर IIT जाऊंगा। तो आप पहुंचेगा मुनीर का? नहीं पहुंचे। कहाँ पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंचे, या कहीं और ही पहुंचोगे। बड़ा सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई दिमाग नहीं रहता, बहुत सिंपल है कि अगर सारी इंद्रियां भटकी हुई हैं, अगर सारे घोड़े भटके हुए हैं, तो जहां को जाना है वहां आप जा नहीं पाओगे। वैसे ही, हरे कृष्ण, वैसे ही अगर हमारा जो सारा इंद्रियां हैं, पीछे कर दिए, वैसे अगर हमारी सारी इंद्रियां भटकी हुई हैं, तो हम जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाएंगे। वही रीजन हमारे मन का भटकाव का या हमारी असफलता का मुख्य कारण यही है। हम चाहते हैं कुछ और का, लेकिन हमारी इंद्रियां कहीं और ही रहती है, आंखें कुछ और दिखाती हैं, कान कुछ और सुनती हैं, कान बोलती है FM सुनाओ, म्यूजिक सुनाओ,
रेडियो मुझे सुनना है ना, आके बोलती यूट्यूब पे वीडियो देखना है, जी बोलती है भाई खा ले नहीं यार, क्या पढ़ाई लिखाई चलता रहेगा, तो काम धाम चलता है, खा ले पहले है ना, तो खिला देगा आपको जाके अनमोल चीज है ना, वो खिला देगा है ना। त्वचा का कुछ और डिमांड होता है, हाँ ठंडी का मौसम है, मुलायम वाला गद्दा चाहिए है ना, और कम्बल भी एकदम सॉफ्ट वाला, अभी ओढ़ के सो जाए आराम से, कहाँ गई सुबह की पढ़ाई, सुबह की मंगल आरती, सब बोलो। तो देखिए क्या होता है, पांचों जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां क्या करती है, हमें इधर से भटकाते रहती हैं, और उसके चक्कर में हमें जो पाना है वो हम पा नहीं पाते। यही रीजन है किसी भी असफलता का, आपके संसार में डेली असफल होते हैं, तो उसका मेन रीजन क्या है, यही है। अब देखो कोई ना कोई आपको क्या इंद्रिया आपको कर रही है, भटका रही है या आपको, अभी ये अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सबके साथ सेम होता है, किसी की आंखें बहुत प्रबल होती है, उसको कहते हैं चपल नेत्र, संस्कृत में चप्पल नेत्र कहते हैं ना, आंखें बड़ी भटकते रहती है, रात में सोने के बेड पे जाओगे मोबाइल में हाथ चला जाएगा, और करते 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 12 बजे है ना, व्हाट्सएप चेक करेंगे, फेसबुक चेक करेंगे, फिर यूट्यूब पे चले जाएंगे, फिर इंस्टा पे चले जाएंगे, फिर हाँ वहाँ 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 वो 12 बजे, और सुबह उठ के काम पे भी जाना है या पढ़ाई करना है, हो गया गोल सारा, सुबह उठेंगे तो अभी त्वचा काम नहीं करेगी, बहुत ठंडी है अभी तो और थोड़ा सा होना चाहिए, तो त्वचा जो आपके साथ नहीं दिया, पहले आपके साथ नहीं दी, त्वचा साथ नहीं दिया, ऐसे दिन भटकती रहती है ना। अब आपको लेक्चर सुनना था, मान लो मोबाइल पे लैपटॉप पे हम लेक्चर लगाए तो उधर से एफएम की आवाज आने लगी, एफएम अच्छा लगेगा फिर सुनने में आप, ऐसे पांचों इंद्रियां भटकी हुई हैं, और इस चक्कर में हम इनपुट गलत लेते हैं है ना, सोना था उस टाइम पे या कुछ पढ़ाई की इनपुट लेनी थी, लेकिन इनपुट कुछ और ले लिया, उसके चक्कर में क्या हो गया, जैसा इनपुट जाएगा उस पर तो इंग्रीडियंस वर्क करेगा ना, पीछे जो बैठा हुआ है बेचारे से क्या गलती है, ये तो भटक रहे हैं, तो इंटेलिजेंस को आपने बोला था, क्या बोला था, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो गीगो आपने गार्बेज दिया, उस पे काम करेगा ना, अभी वैसे ही इंटेलिजेंस बुद्धि मिला आपको, अब सुबह सुबह अभी इंटेलिजेंस को आपने स्ट्रांग बनाया ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, इंटेलिजेंस भटकेगा, आपका साथ नहीं देगा, अभी डिसीजन आप वीक पड़ जाओगे, हृदय दुर्बलियम, आप वीक पड़ जाओगे, और जब वीक पड़ जाएंगे तो जो हम पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे, सिंपल सी लॉजिक है, इसके चक्कर में बेचारा सोल जो है वो चिल्लाते रहता है, अरे यार कहाँ जा रहे हो, है ना, बोला था कि आईएएस निकालना है, आईएएस निकालना है, ये नौकरी, ये फलाना ठिकाना, अभी कहाँ फंस गए यहाँ पे आके, ये सोल बेचारा चिल्ला रहा है ना पीछे देख लो, और चिल्लाते रहता है, वो कुछ नहीं कर सकते, इंद्रियां भटकते रहती है, अपना जो सारथी है, जो इंग्लियंस है, वो भी काम नहीं करता है, तो ये रीजन है हमारे असफल होने का, या माइंड का वर्क नहीं करने का। तो अगर हम माइंड को सही डायरेक्शन ले जाना चाहते हो, तो इनको इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, इनसे इनपुट अच्छा, जैसे अभी आप इनपुट अच्छा दे रहे हैं अपने इंद्रियों को माध्यम से, इन कानों से क्या सुन रहे हैं, भगवान की बातें, गीता, जिससे आपका इंद्रियंस क्या हो रहा है, इंद्रियंस कमजोर है या स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, जिससे क्षमता बढ़ रही है, माइंड में क्या स्ट्रांग जा रहा है आपके अंदर, अभी माइंड क्या स्टोर हाउस है ना, माइंड में क्या जा रहा है, गलत चीज आ रही है, बहुत चीज आ रही है ना, माइंड स्ट्रांग हो रहा है, गलत टाइम पे जब यहाँ से आप जाएंगे, जो अकेले में रहेंगे, तो माइंड में ये सब बातें क्या होंगी, आपकी प्रभोक होंगी, याद आएंगी, और फिर आप डिसीजन लेने में क्या हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे। तो ये चीजें हैं कि हम इनपुट कैसे देते हैं, अभी क्या है, पूरे संसार में इनपुट गलत ही मिल रहा है, यहाँ देखो वहीं से गलत इनपुट मिल रहा है, ये रीजन है हमारे भटकाव का। लॉर्ड कृष्ण सेज इन भगवद गीता 6.6 क्या कहते हैं भगवान, बंधुर आत्मा नास्य येन आत्मा जितसु अंतमानस्तु चतुर्वते वर्तव्य चतुर्वत, मन क्या कह रहे हैं, फॉर हिम हु हैज कंकर्ड द माइंड इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, बट फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो हिज माइंड इज विल रिमेन द ग्रेटेस्ट एनिमी, जिसने माइंड को कंट्रोल कर लिया, मन को नियंत्रण कर लिया, वो क्या है, उसका मन सबसे अधिक उसका प्रिय मित्र होगा, लेकिन जिसका मन कंट्रोल में नहीं है वो क्या, उसको सबसे बड़ा दुश्मन, तो हम सब किसके साथ रह रहे हैं अपने सबसे बड़े, रह रहे हैं भले, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन क्या हमारा, बाहर के लोग नहीं है, हमारी असफलता की जो असफल होते हैं क्या बाहर मनाते हैं, उसकी वजह से हो गया, अगर मेरे घर वालों से पैसा अच्छा से पढ़ाया होता ना, आज मैं ये कर रहे होते है ना, आज अगर मेरे को कोचिंग मिल गई होती ना, मेरे कुछ वो सब कुछ नहीं है ना, अगर आप झांक के देखोगे आपसे कहीं कहीं नीचे के लड़के जिनको आपसे बहुत कम फैसिलिटी मिली होगी, आपसे आज जीवन में बहुत ही आगे आगे हैं, रीजन क्या है, उनका माइंड क्या था,
फोकस था, कंट्रोल था, ये बहानेबाजी नहीं करनी है ना। बहाना क्या है, भगवान देखो गीता में कह चुके हैं, अगर हम हार रहे हैं तो हारने के रीजन क्या है, हमारा मन, हमारा मन भटका हुआ है, दैट्स व्हाई हम हार रहे हैं। नेचर ऑफ द माइंड ही नेचर, माइंड का चैरिट क्या होता है, अगर ये कंट्रोल है तो क्या होगा, हम ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, अगर अनकंट्रोल है तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये है माइंड का नेचर। कैन द माइंड बी कंट्रोल्ड, आपको लगता है, हाँ या ना? यस। किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? क्योंकि अर्जुन ने किया है तो हम लोग भी कर सकते हैं, अगर भगवान की गाइडेंस को फॉलो करे तो। माइंड इज कम्पेयर टू लाइक अ नाइफ, चाकू की तरह होता है, जैसे ए नाइफ इज गुड और बैड, चाकू अच्छा है बुरा है, दोनों डिपेंड करता है ना। उसी चाकू से आप किसी का मर्डर भी कर सकते हो, उसी चाकू से आप फल काट के खा भी सकते हो, ऑपरेशन भी कर सकते हो। तो चाकू की गलती नहीं है, डिपेंड ये करता है कि चाकू कब यूज कैसे कर रहे हो। तो माइंड की गलती नहीं है, बोले सारा दोस्त मुझे माइंड ही का है, गलती माइंड की नहीं है, गलती किसकी है, हमारी है कि हम माइंड कैसे यूज करते हैं। गीगो प्रिंसिपल जो आपको बताया था, गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, तो हम गार्बेज इन करते हैं तो क्या होता है, गार्बेज जैसा विचार करेंगे वैसे विचार तो आएंगे ना। हम विनम्र नहीं है, हमारे अंदर बहुत काम है, लस्ट है, हम बहुत लालची हैं, बहुत आलसी हैं, कामी व्यक्ति हैं, मन में गंदे गंदे विचार आते हैं। रीजन क्या है, रीजन क्या है, गार्बेज हमने डाला है अंदर, मूवी के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से, इधर उधर रिश्तेदारों के माध्यम से गार्बेज ने डाला है, तो वैसे ही विचार मन में क्या होते हैं, आउट होते रहते हैं, फायदा लेते रहते हैं, गंदे गंदे विचार आते हैं, ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है, गंदे गंदे विचार आते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी डाल रखा है। लेकिन गुड इन तो गुड आउट, हाँ, जैसे अभी आज आपने जो एक घंटे भी क्लास किया तो अच्छी बात है आपने अंदर डाली, यहाँ जाने के बाद क्या होगा, अच्छी बात याद आएंगे, वही बैठ के आपको मूवी देख ली होते इधर उधर की, जैसे रूम में पहुंचते क्या होता, मन भटक भटक। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। सो वेयर डू वी रीड आवर स्क्रिप्चर्स, बुक्स वी रीड, मूवी वी वॉच, इसमें बेटर कौन सा है, बुक्स, बुक्स हमें रीड करना चाहिए, म्यूजिक जो हम हियर करते हैं ये सब क्या है, हमारे भटकाव के तरीके हैं। माइंड फील, आई एम इंजीनियर, आई शुड नो हाउ टू होल्ड अ सिगार एट लीस्ट, स्मोकिंग मेक्स मी गो, ये सब क्या है, दिखावा होता है कि मैं इंजीनियर हूँ, है ना, फर्स्ट ईयर में चला, अरे फर्स्ट ईयर में हो, अभी तक सिगरेट नहीं पीते, अरे क्या मजाक बना दी, इंजीनियर नहीं हुआ तुम, सबने सुनो कितने अब इंजीनियर है, इंजीनियरिंग किया है ना, बहुत लोग हैं ये सब ने सुना, सीनियर सब सुन ही लेते हैं ना, फर्स्ट सेकंड, अरे सिगरेट नहीं पीते हो क्या, ये इंजीनियर तुम कभी नहीं बनो, नालायक बन जाओगे तुम। तो ऐसा लोग एक वो बना देते हैं, इंटेलिजेंस मैन क्या करता है, नहीं इंजीनियर को तो ये सिगरेट पी, मतलब क्या है, उसके पास स्किल होना चाहिए। सो डिस्कवर्ड इनर सेल्फ के अंदर हमने मैकेनिज्म ऑफ माइंड को भी डिस्कस कर लिया, फाइनली हम जो लास्ट का लास्ट पार्ट है जो हमने बताया था वो डिस्कस करेंगे, वो क्या है कि इस इन सब को जानने के बाद कि हम सोल हैं, मैकेनिज्म ऑफ माइंड कैसे वर्क करता है, ये सब जानने के बाद हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, फायदा क्या है सोल को जानने का, क्या लगता है, क्या फायदा है सोल को जाने का, इस क्लास को समझने कोई फायदा आपको मिला या फिर ऐसे ही है? फायदा है ना, मोटा मोटे वो चार फायदे बताते हैं। पहला फायदा है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जैसे आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह से बैठे हुए हैं, लेकिन आपस में भाईचारा हो रहा है, अभी मन कर आपको लड़ लें, पीट लें, ये यूपी के, पंजाब के, हरियाणा, ये मुंबई, मराठी, लड़ लें, थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा है, अगर आ रहा हो भी दब गया, क्योंकि हम सभी क्या है, सोल है, हम सभी आत्मा है, तो अगर हम आत्मा के भाव पे रहें तो सारा लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, कोई अमेरिका पाकिस्तान इजराइल और अफगानिस्तान कोई युद्ध नहीं होगा, सब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके लिए क्या ज्ञान चाहिए हमें, वास्तविक ज्ञान चाहिए, क्या ज्ञान चाहिए, हम कौन है, आत्मा, भारतीय है हम, पाकिस्तानी है, क्या है हम, आत्मा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पैदा होगा हम जान जाएंगे तो। हमें डिवाइड क्या करता है, ये हिंदू मुस्लिम व्हाइट ब्लैक रिच एंड पुअर एडुकेटेड और इलिटरेट, वास्तव में हम इन सबसे डिफरेंट है, कोई सुंदर कोई ग्रुप ऐसा है क्या, सभी क्या है, आत्मा, सभी आत्मा है, ये तो बाहरी दिखावा है हमारा, जो कि आज है और कल नहीं, खत्म हो जाएगा। तो दीज आर, अगर हम आत्मा के बारे में जान लें तो क्या होगा, हम आपस
से यूनिवर्सल ब्रदरहुड पैदा करना है। जैसे हमारे बेसिस में आप देख लीजिए ना, हम लोग कई कई जगह से हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ पंजाब से हैं, कुछ राजस्थान से, लेकिन सभी से जैसा रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि तू इसका है तो ये यूपी का है तो उधर रह, तो बिहार का तो उधर रह, तो पंजाबी तो उधर रह, ऐसा नहीं। सभी एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, रहते हैं, सोते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप क्या मानते हैं? आत्मा मानते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन में देख लीजिए अभी है ना, व्हाट यूनाइट इस्कॉन के अंदर 120 से ज्यादा कंट्री के लोग आए थे। कब? जब शिला गोपाल जी का अभी 125th नहीं, उसके पहले लास्ट ईयर 100वां आविर्भाव तिथि मनाया गया था। नहीं 100वां नहीं, कुछ मनाया गया था अभी 2-3 साल पहले कोलकाता में, बहुत सारे लोग आए थे। हाँ, प्रभुपाद जी जब गए थे इस भारत को छोड़ गए थे ना, उस टाइम को मनाया गया था। अभी एक यूनिवर्सिटी मनाया गया, उसमें दुनिया के 120 कंट्री के लोग आए थे, एक ही छत के नीचे से बैठे थे, और सबने कोलकाता में 120 कंट्री के लोग एक साथ बाहर निकल के हरिनाम किए थे। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था कि पहली बार एक छत के अंदर 120 देश के लोग एक साथ इकट्ठा, इसके पहले किसी ने नहीं किया। मोदी के रिकॉर्ड था, मोदी ने 104 कंट्री के लोगों को बुलाया था। फिर इस्कॉन वालों ने पूछा कि देखिए हमारे यहाँ ना अभी आपके भारत में ही आपने 104 का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन हमारे 120 देश के लोग आ रहे हैं। आप बोलिए तोड़ दिया जाए आपके रिकॉर्ड, रहने दे। मोदी जी का रिप्लाई था, नहीं नहीं आप लोग बहुत चक्कर है, इस रिकॉर्ड के रहने दीजिए, आप लोग बनाइए। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस्कॉन का, इस्कॉन ने पहली बार 120 देश के लोगों को एक साथ बैठा करके सेमिनार किया या फिर कीर्तन करवाया बाहर जाकर। इम्पॉसिबल चीज कर रहे हैं। तो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम सभी क्या मानते हैं? हम कौन है? सोल है या फिर आत्मा है। तो हमारे यहाँ गोरे भी हैं, काले भी हैं, चाइनीज भी हैं, जापानीज भी हैं, सभी लोग हैं। आप जाएंगे मायापुर, अभी मायापुर हम लोग जाने वाले फरवरी में, तो वहां पर जाएंगे बहुत सारे देश के लोग रहते हैं सर। या फिर वृंदावन चले जाइए, आप वृंदावन मंदिर में उसको आनंद में चले जाइए, कई सारे देश के लोग मिलेंगे। राइजिंग एवं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, अगर हम आत्मा जान लें कि हम आत्मा है तो क्या होगा हमारा, तो इन्फिनिटी हम फील करते हैं, उससे हम क्या हो जाएंगे? ऊपर हो जाएंगे अपने उस। अभी इन्फिनिटी क्या फील करते हैं? यही वाली फील, हम क्रूप हैं, हमारी कम बुद्धि है ना, या फिर कुछ होता है मैं तो ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, है ना। तो ऐसा नहीं, सभी क्या है? सभी आत्मा है, सभी अपने कर्मों की वजह से अलग अलग शरीर में अलग अलग दंड को भुगत रहे हैं। तो एक ही हमारा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता क्या है कि हम सभी भगवान के भक्त हैं, हम सभी क्या है? आत्मा है। बॉडीली और सोल, ये अंतर आ जाता है जब हम जानते हैं कि हम सोल हैं। पॉजिटिव आउटलुक एंड एटीट्यूड ऑफ लाइफ, हमारा जो जीवन देखने का तरीका होता है क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप इतनी देर सुने हैं, अभी एक घंटे डेढ़ घंटे, तो यहाँ से बाहर निकलो थोड़ा देर के लिए, तो कम से कम आधे घंटे के लिए लोगों को देखने का तरीका क्या हो जाएगा? कोई आपको गाली देगा, कोई बोलेगा कुछ, है ना, कोई मान लो कोई कमेंट ही कर दिया तो आपको उतना फीलिंग्स थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपने थोड़ा देर सुना है ना। कमेंट है, जैसे हमारे देश के भक्त रहते हैं यहाँ पे, है ना, ये 24 घंटे बेस में ही रहते हैं, प्रसाद पाना और फिर ऑफिस ले जाना तो ऑफिस में प्रसाद ले जाएंगे, ऑफिस से आते हैं तो फिर मंदिर में भगवान के दर्शन करना, भक्तों के संग में सोना, इस बात भी कहें प्रभु हरि बोल कैसे हो, हरे कृष्णा कैसे हो, है ना, पूरे दिन हरे कृष्णा हरि बोल चलते रहते हैं, भगवान का नाम चलते रहते हैं, तो इनको क्या है वैसा फीलिंग हमेशा आता रहता है। लेकिन आपको क्या है, सप्ताह में एक घंटे मिलता है आपको, तो उतनी फीलिंग आएगी ना थोड़ी देर के लिए। तो उसको बढ़ाना है तो फिर हमारे भक्तों संपर्क कीजिए, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पॉजिटिव आउटलुक और एटीट्यूड ऑफ लाइफ क्या होता है, हमारा चेंज हो जाता है जब हम क्या करते हैं, हम जान जाते हैं आत्मा जो सॉरोफुल लाइफ है, परेशान है, हताश है, परेशान है, तनाव में है, इस जीवन से क्या होते हैं, हम ऊपर उठ जाते हैं जब हम ये जान जाते हैं कि हम कौन है, आत्मा है। ठीक है, हमारे अंदर पेशेंस आता है, टॉलरेंस आता है, हम एक दूसरे अच्छे से डीलिंग कर पाते हैं, बातें अच्छे से कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज हम ये जानते हैं कौन है, हम आत्मा है। एंड राइट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उसका क्या करते हैं, राइट यूज करते हैं, है ना। जैसे आप सभी के पास पैसे हैं, बहुत सारे धन है, लक्ष्मी और बहुत कुछ आपके पास भगवान ने दिया है, लोग उसे यूज किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं? अपने कलीग्स में देखिए, झाक कर किसके लिए यूज कर रहे हैं, पैसे किसके लिए यूज कर रहे हैं? संजय को जाकर सारे पैसे उड़ा देते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, पब में जाते हैं। लेकिन जो भक्तजन क्या करते हैं, इसी पैसे किसके लिए यूज करते हैं? भगवान की सेवा के लिए। जैसे योग क्लास हम लोग वृंदावन गए थे, गायों की सेवा की, यहाँ पे जो भक्त लोग जॉब करते हैं हमारे, हरे कृष्णा पुए हैं, बाकी भक्त लोग उधर बैठे हुए हमारे व्हाइट में, ये आर्मी मैन है, जो व्हाइट में बैठे हैं आर्मी मैन है, वो क्या कर रहे हैं अभी,
आर्मी में तो बहुत बड़ा बड़ा गुटखा फ्री मिलता है। आज तो उनकी छुट्टी थी, पी के एकदम पट पड़ना चाहिए उनका, किसी बेड के नीचे प्रभु जी छोड़ दो अभी तो फ्री का मिला तुम्हें, आज तो आज ही तो मौका मिला है, आज ड्यूटी नहीं, ऐसा कर रहे हैं वो। इनको मिला हुआ है फ्री का लेकिन ये पीते नहीं है ना, चार नियम पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं। तो क्यों कर पा रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये क्या है, ये जानते हैं कि मैं कौन हूँ, आत्मा, इसलिए कर पा रहे हैं। और इनके जो 99% जो बाकी जो इनके आर्मी भक्त हैं, सॉरी डिवोटीज हैं, सॉरी डिवोटीज नहीं है वो, इनके जो कलीग्स हैं, पड़ोसी हैं, ये जो इनके साथ काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं आज, है ना, मस्ती कर रहे होंगे, दिल्ली घूम रहे होंगे, आज छुट्टी का मौका, चलो सीपी चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, खूब खाएंगे पिएंगे, है ना, पाप कर्म करेंगे, अगले जन्म पाप करने को प्राप्त करेंगे। तो ये अंतर होता है जो हम क्या करते हैं, ये जान जाते हैं कि हम कौन है, आत्मा है, जो हमें चीज अवेलेबल है हमारे पास, जो भी भगवान ने दिया उसका हम सही से यूज कर पाते हैं। इससे क्या होता है, ये जीवन भी अच्छा और इसके बाद के जीवन भी अच्छा, ये बहुत बड़ा फायदा है। तो समरी एट समरी जो आज हमने देखा वो यही था कि हम कौन है, आत्मा है, और हमने ये फिर साइंटिफिकली प्रूफ किया कि हम कौन है, आत्मा है, और डेड बॉडी में और रोबोट में क्या है अंतर है, और हमने माइंड का मैकेनिज्म देखा कि हम क्यों किसी भी कार्य में असफल होते हैं, माइंड के मैकेनिज्म हमने देखा। और फिर हमने ये देखा कि अगर हम जान जाए कि हम सोल है तो हम क्या फायदे हमारे जीवन में, तो जो चार फायदे आपको बताए थे, आप चाहे इसका फोटो ले सकते हैं, समरी टाइप ऑफ थिंग, आप इसका फोटो ले सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र जो हम बोलते हैं इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट वे टू नो आवर सेल्फ दैट वी आर सोल, इसके बारे में बताएंगे ये महामंत्र क्यों बोलते हैं, इस हिसाब से बताएंगे, तो 6-7 सेशन के बाद आपको बताएंगे। ओके हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न